दहेज प्रथा दोस्त गलत कैसे हो सकता है? दहेज प्रथा मुझे लगता है बहुत ही अच्छा एक तरीका है अपनी बेटियों की कमजोरियों को छुपाने का। देखिए, दहेज गलत नहीं हुआ, दहेज का मतलब ही यहीं से स्टार्ट हुआ कि मेरी लड़की में ये कमी है, इस कमी को पूरा करने के लिए हम आपको पैसा दिए दे रहे हैं। आपकी जो चूजिंग कैटेगरी है वो बहुत ही स्पेसिफिक लड़कों के बीच की कैटेगरी से डिवाइड होकर आती है। लाइक अच्छा लड़का होना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए या बिजनेस वाला होना चाहिए, या बाप का अच्छा खासा उसका जायदाद होना चाहिए। जब आप इतना सारा कुछ देखते हो तो फिर आप अपने अंदर झांक के देखते हो कि मैं क्या दे रहा हूँ, मात्र एक लड़की दे रहा हूँ। फेयर पार्टनरशिप वही हो पाती जिसमें 50% का इंक्लूडेशन हो। आपकी लड़की जब किसी दूसरे के घर में जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो उस घर की 50% की मालकिन बनती है। अब आप लड़की के अंदर एबिलिटी डाल नहीं रहे हो तो पैसे से तो लोगे ही ना, सीधी सी बात है। या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप दहेज प्रथा को अगर आप गलत मान रहे हो तो दहेज प्रथा बिल्कुल मत दीजिए। फिर आप जो लड़के की चूज करने की कैटेगरी है उसको आप मिनिमाइज कर दीजिए बिल्कुल। लड़का अपने लेवल के लिए, लड़की अगर आपकी पढ़ी लिखी नहीं है लड़का भी अनपढ़ कर लीजिए, लड़की आपके 12th पास है लड़का भी 12th पास कर लीजिए, तब आपका वहां पर ज्ञान लगेगा कि नहीं हमें तो लड़का ऐसा चाहिए जो घर बार संभाल सके, जो पारिवारिक स्थिति को बेहतर देख सके। तब आपका जब दिमाग चलता है तो आप फिर दिमाग यहाँ क्यों चलाने लगते हो कि पैसा उन्होंने हमारा लूट लिया। अरे नहीं भाई साहब, आपने इक्वालिटी के नाम पर कुछ होता है वो आपने इसलिए दहेज दिया था।